गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। अब आपका ये जो लेसन है ये फिनिश होने पर आ रहा है, बहुत थोड़ा रह गया है। हमने आपको पहले बताया था गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ रूल्स पे चलती है, कुछ सेट रूल्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। तो अब देखो बच्चों, हमने आपको कल बताया था कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है, बताया था ना। सबसे पहले हमने आपको बताया था, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट आपने सुना होगा। पार्लियामेंट होता है अपर हाउस और लोअर हाउस को मिलाकर के, और प्रेसिडेंट, इन तीन को मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस में जो मेंबर्स होते हैं वो और प्रेसिडेंट। अब ये पार्लियामेंट क्या करती है, ये कानून बनाने का काम करती है, लॉज बनाती है और उसके अनुसार देश को चलाती है, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसीलिए ये समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके अनुसार काम कर रही है जो जनता की इच्छा है, क्योंकि जनता ने अपनी इच्छा के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया है। तो उस रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी हो जाती है कि वो उसी के अनुसार काम करें जो जनता की इच्छा है। और ये उसको इच्छा कैसे पता चलती है जनता की, तो ये वोट, जब ये वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक इनसे डिमांड करती है और इस तरह से आप ऐसा करिए ऐसा करिए। जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे उनसे कहते हैं आप रोड्स बनवाइए, पोटेबल वाटर की का अरेंजमेंट करिए, पीने के पानी की व्यवस्था करिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सही होना चाहिए, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिफेंस है, जॉब है, एजुकेशन है, इन सब चीजों के बारे में ये जो गवर्नमेंट है उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये काम करेंगे। तो ये होती है बच्चों पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो हो गई, अब दूसरी गवर्नमेंट आई है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होती है, अपने अमेरिका में यूएसए में जो प्रेसिडेंट है ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें प्रेसिडेंट ही सारे हर चीज का जो लायबल होता है प्रेसिडेंट होता है, और जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी निर्णय ले सकता है। इसमें प्रेसिडेंट का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्ट पब्लिक प्रेसिडेंट को चुनती है, प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद उसके ऊपर जो दूसरे चुने हुए मेंबर हैं उनका कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। जैसे कि आप देखिए ट्रंप है यूएसए में, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी की बात माने या ना माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। केवल वो पब्लिक की बात मानते हैं और किसी की बात अपोजिशन वगैरह की नहीं सुनते, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। वो हर चीज का अपोजिशन करते हैं और दूसरे की कई बार अच्छी बातें भी सामने आती हैं और कई बार प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। उसके बाद आती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, ये जो होती है इस तरह की होती है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे हमारी राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, जितनी स्टेट्स हैं ये केवल गवर्न होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम बनाएगी, जो रूल बनाएगी, उसको भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट, कई देशों में ये होती है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट और होती है जो कि वो व्यक्ति चलाते हैं जो कि क्या कहना चाहिए, भगवान को मानने वाले होते हैं या रिलीजियस पीपल,
जैसे हमने आपको बताया था वेटिकन सिटी वो पूरी की पूरी पोप चलाते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं ये एक अलग तरह की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या होती है, दो मिलकर के एक तो ये इनकी गवर्नमेंट जो कि क्या है फिजिकल, ठीक है, ये मिलकर के और यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट मिलकर और ये दोनों मिलकर के अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। उसके बाद आती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके रूल उसकी पावर अलग होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर अलग होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी काम में किसी तरह की कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। तो ये मिलकर के बनता है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चार फॉर्म हमने आपको गवर्नमेंट के बता दिए, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक यूनिटरी फॉर्म और एक फेडरल फॉर्म, ठीक है। अब देखो इनके फीचर्स क्या है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ये पॉपुलर क्यों है, अब हम आपको ये बता रहे थे, सुन लीजिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों अच्छी होती है। सबसे पहली बात तो ये इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसको कुछ पब्लिक चुनती है, जो रिप्रेजेंटेटिव है ना इनको कुछ पब्लिक चुनती है। दूसरी बात ये है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पब्लिक की इच्छा के खिलाफ नहीं लिए जाते, क्योंकि अगर ले लिए गए तो पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट करता है और फिर इनको मजबूरी में अपने डिसीजन बदलने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी तीसरी बात ये है कि इक्वालिटी की भावना होती है, सब में समानता होती है कि हम भी वोट देते हैं गवर्नमेंट को बनाने में, तो आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद चुना है ऐसी गवर्नमेंट को जो कि वो काम कर रही है जो आप चाहते थे। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो 5 साल के बाद उस गवर्नमेंट को चेंज कर दीजिए, तो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट को भी डर रहता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो पब्लिक हमको 5 साल के बाद यहाँ से हटा देगी और हमारी सरकार दोबारा नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डर से इसलिए काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो निजी होकर काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और डरते नहीं है कि चाहे सरकार आए या ना आए हमको तो अच्छे काम करने हैं, हमको तो 370 को हटाना है जो राष्ट्र का कलंक है वो दूर करना था, हमको तो सीए अधिकार समान अधिकार योजना चलानी है, हमको तो सबका साथ सबका विकास करना ही है, वोट मिले ना मिले। और फिर आजकल की पब्लिक तो समझती है और ऐसे को ही देती है जो हमारा मान बढ़ा है। देखो आप कितनी वीरता के साथ में चीन को पीछे हटाया है, जबकि पहले 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमने हमारी चीन ने ले ली थी और हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब लोगों में राष्ट्रीय भावना आई तो अब क्या मतलब ही ऐसा होता है, अब हर कंट्री में ये भावना आ रही है और सब अपने अपने उन्हीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को वोट देते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं बेटा इक्वलिटी हो गई, राइट हो गया, अब आता है सबसे जो हम आपको पढ़ा रहे थे एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। देखो क्या है बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपस में डिफरेंसेस होते हैं, अपोजिशन भी होता है और गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, लेकिन इतना होते हुए भी ये डिफरेंस होते हुए भी इन लोगों में आपस में देखो विचारिक मतभेद तो होता है, विचारों का मतभेद तो होता है लेकिन मनभेद नहीं होता। अगर किसी भी मिनिस्टर के घर में शादी होती है बेटी या बेटे की, चाहे अपोजिशन पार्टी हो या कोई हो, सब जाते हैं और बधाई देते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाए भगवान ना करे तो वहाँ भी सब जाते हैं और कंडोलेंस करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सीखनी पड़ती है।
हमारे आसपास इतने लोग रहते हैं, कोई किसी पार्टी को से बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी से, लेकिन हम लोग तो आपस में नहीं लड़ते, हंसते हैं, मजाक लेते हैं, लेकिन लड़ते नहीं है, क्योंकि सबसे अपने अपने विचार होते हैं। ये बेटा सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, ये जो इक्वलिटी होती है, समानता होती है, एकोमोडेशन होता है, एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं। दूसरी बात यह है, सबका ध्यान रखा जाता है। अगर एजुकेशन पे बात हो रही है, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे, जैसे अभी COVID-19 है तो गवर्नमेंट का ये रूल सामने आया कि 3 महीने की फीस नहीं ली जाएगी। इस पर कोई भी पार्टी हो तो पार्टी एक हो जाती है, क्योंकि सबके बच्चे पढ़ते हैं, इसमें इस तरह का कोई भी विचार भेद नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेज है, इस पर भी सारी पार्टी एक है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, कुछ तो शिक्षा दी जाएगी, कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो समझ में आएगा और धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। क्योंकि अगर इसमें कब तक ये महामारी चल रही है, बच्चे किताब भी नहीं पहचानेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे उनको समझ में आएगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें भी सब एक है। ये कुछ डिसीज ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लिए जाते हैं। अब जैसे महिलाओं की शिक्षा की बात है, जो हम आपको बता भी चुके हैं कि स्कूल कॉलेजेस लड़कियों के लिए खुलने चाहिए, इसमें सारी बात क्लियर की जाएगी, ठीक है। और आपने देखा होगा कई जगह प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली है या सड़क रोजगार योजना चली है, हर गांव में सड़क बन रही है, पक्की सड़कें बन रही हैं जो गांव तक जा रही है, इसलिए किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है और कोई झगड़ा नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि असमोलेट करते हैं, झगड़ा नहीं करते। इसके बाद क्या है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि सबके वेलफेयर के लिए, बच्चों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो उसमें जो प्रधानमंत्री होता है किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे बीच में क्या था कि टॉयलेट्स बने गाँव गाँव, उसमें प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि किस जाति के लोगों को पैसा दिया जाए या किस जाति के लोग को ना दिया जाए, या इसने हमको वोट दिया है, इसको टॉयलेट्स बनाने के लिए पैसे देने चाहिए, इस गांव से हमको वोट नहीं मिला या इस जाति से हमको वोट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। सबको बराबर वोट दिए, जो विधवाएं हैं वो चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, जब पैसे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं सबके खाते में आते हैं। जो ये उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में जो गैस पहुंचाई जाती है वो सबके घर जाती है, कोई नहीं पूछता तुम्हारी जाति क्या है या तुमने वोट दिया है कि नहीं दिया है। जब गरीबों की मदद होती है तो उसमें जाति नहीं पूछी जाती है, सब गरीबों की मदद होती है। तो इसको कहा जाता है बेटा कि एकोमोडेशन, इक्वलिटी, एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, कि विचारों में अंतर है, वोट हम अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, विकास की बात आती है, तो हम सब एक हैं। उस समय किसी भी तरह का डिफरेंस, चाहे विचारों का हो या किसी भी चीज का हो, सामने नहीं आता है। अगर आता है तो अलग है, नहीं आना चाहिए। तो अब देखो बच्चों, नहीं ये काफी छोटा लेसन है आपका, तो इसमें इतना ही बताना था हमको। अब ये लेसन जो है ये खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो आप जरा क्वेश्चन ओपन करो, थोड़ा सा अपने आप भी करना शुरू करिए, फिर तो हम आगे चलकर बताएंगे। ये देखिए सबमिटिव असेसमेंट, इसमें ए बी सी और डी, सबमिटिव असेसमेंट में ये चार है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसमें आपको देनी पड़ेगी डेमोक्रेसी की परिभाषा। और हम इंडिया को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोट है ना सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, सीक्रेट वोट जो है वो सीक्रेटली दिए जाते हैं, और हम जिनको चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को पहले हम चुनते हैं, उसके बाद में उसमें से प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, डायरेक्ट वोट तो होता है कि डायरेक्ट लीडर को वोट दे दिया, हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम पार्टी को देते हैं।
और फिर पार्टी जो है वो चलाती है देश को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वोटिंग ये सब आपको इसमें मिल जाएगी। डेमोक्रेसी क्यों कॉन्फिडेंट है ये भी आपको बताया, क्योंकि जो पब्लिक है उसके द्वारा लोग चुने जाते हैं और उसके द्वारा ही ये काम करते हैं। जो पब्लिक की इच्छा होती है उसी के वही काम करते हैं। अगर ये पब्लिक की इच्छा से विरोध करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इनको पब्लिक फिनिश कर देगी, वोट नहीं देगी। जैसे आपने देखा होगा कई पार्टी ऐसी हैं पब्लिक ने बिल्कुल पसंद नहीं किया उनको और जड़ से नकार दिया और जो काम करने वाले लोग थे वो सामने आए। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज का वीडियो हालांकि छोटा है क्योंकि लेसन खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे। लेकिन आपसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि आप जो क्वेश्चन आंसर्स है ना उनको कॉपी पे लिखना शुरू कर दो, उससे क्या होता है आपकी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको लर्न भी होगा अच्छे तरीके से, है ना। आप थोड़ा छोटा रह गया लेकिन इसीलिए रह गया क्योंकि आपका लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया है और बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छा अच्छा काम करना। ठीक है।